गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास थर्ड, चैप्टर 5, डिवीज़न। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5E एंड 5F कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 5E, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर एंड वेरीफाई द आंसर। सिक्सटी डिवाइडेड बाय एट सेवन फिफ्टी सिक्स टेन माइनस सिक्स फोर फाइव माइनस फाइव जीरो। सो हमारे पास क्यू आया 7 एंड आर आया हमारे पास 4। अब हम करते वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए फॉर्मूलाज होता है डिवाइडेड इज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। यह हमारा फॉर्मूला है, इसके बेस पर हम सॉल्व करेंगे। डिवाइडेड हमारे पास है 60, डिविजर है हमारे पास 8, क्वेश्चन है हमारे पास 7, देन रिमाइंडर है हमारे पास 4। 8 7 56 प्लस 4 इज इक्वल टू 60। ये हो गया हमारा वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर 2, 7265 डिवाइडेड बाय 3। थ्री टू जा 6, 7 माइनस 6 1, देन 2, 3 4 जा 12, 0 0, then 6, 3 2 6, 0, then 5, 3 1 3, 5 minus 3 2। सो हमारा Q आया 2 4 2 1 एंड R आया हमारा 2। अब करते वेरिफिकेशन। फॉर्मूला जब भी वेरिफिकेशन करेंगे आप फॉर्मूला जरूर लिखेंगे। डिवाइडेड इज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड हमारे को दे रखा है 7265 इक्वल टू डिविजर, डिविजर है हमारे पास 3, ठीक है। ये डिवाइडेड होता है हमारा, ये डिविजर होता है, ये क्वेश्चन होता है और ये रिमाइंडर होता है। क्वेश्चन है हमारे पास 2 4 2 1 प्लस रिमाइंडर आ रहा है 2। 3 को 1 से करा 3, 3 को 2 से करा 6, 3 को 4 से करा 12, कैरी 1, 3 2 6 और 8 7 प्लस 2। सो 7 2 63 प्लस करेंगे 65। ये हो गया हमारा वेरीफाई।
आंसर। थर्ड हमारा 71 डिवाइडेड बाय 7 7 then 0 1 so 0 ठीक है 0 1 का 1 so हमारा क्यों आया 10 आर आया हमारा 1 ठीक है। इसको वेरिफिकेशन करते हैं। फॉर्मूला आपके दे रखा है डिवाइडेड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। 71 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड 10 प्लस 1 7 टेन 70 प्लस 1 71 ये हो गया हमारा वेरीफाई आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 7 3 4 5 डिवाइडेड बाय 3 3 2 6 1 3 3 4 12 1 14 3 4 12 then 2 5 3 8 24 1 so हमारे पास Q आया 2 4 4 8 R आया हमारे पास 1 verification करते हैं। divided दे रखा है आपको 7 3 4 5 divisor है 3 मल्टीप्लाई क्वेश्चन आपके पास 2 4 4 8 प्लस रिमाइंडर आपके पास 1 इसको इससे मल्टीप्लाई करते 3 8 24 कैरी 2 3 4 12 13 14 कैरी 1 3 4 12 12 15 सो 12 13 कैरी 1 3 2 6 7 7 3 4 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 3 4 5 वेरीफाई दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 3 4 6 डिवाइडेड बाय 2 2 3 4 6 2 1 2 1 2 7 14 2 3 जा 6 सो क्यू आया हमारे पास 173 देन आर आया हमारे पास 0 वेरिफिकेशन करते हैं। डिवाइडेड हमारे पास है 3 4 6 डिविजन है हमारे पास 2 क्वेश्चन है हमारे पास 173 प्लस रिमाइंडर है 0 3 2 6 2 7 14 कैरी 1 2 2 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3 4 6 वेरीफाई दिस इज आंसर। नंबर 6 2 4 2 2 डिवाइडेड बाय 8 8 2 4 2 2 8 3 24 0 0 2 then 0 2 2 8 2 16 then 6 so Q हमारे पास आया 3 0 2 and R आया हमारे पास 6 वेरिफिकेशन करते हैं। डिवाइडेड इज इक्वल टू डिविजन इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर 2 4 2 2 इज इक्वल टू डिविजर है आपके पास 2 3 0 2 मल्टीप्लाई सॉरी डिविजर तो आपके पास 8 क्वेश्चन आपके पास 3 0 2 प्लस
रिमाइंडर है आपके पास 6, 8 टू 16, 8 थ्री 24, प्लस 6, 2 4 16 में प्लस 6 करते हैं 2 4 2 2, ये हो गया हमारा वेरीफाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 आप खुद करने का ट्राई कीजिए। ठीक है, और हमारी एक्सरसाइज 5 भी कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज 5F, फाइंड द क्वेश्चंस एंड रिमाइंडर एंड वेरीफाई द आंसर। फर्स्ट ऑफ देखा 75 डिवाइडेड बाय 10, सो 10 75, 10 7 17, then 5, so Q आया हमारे पास 7, then R आया हमारे पास 5, आंसर। इसका बी पार्ट देखते हैं, सेकेंड नंबर 100 डिवाइडेड बाय 10, टेन वन जा 10, देन 0, देन 0, सो 0, 0, सो क्यू आया हमारे पास 10 एंड आर आया हमारे पास 0। थर्ड पार्ट 205 डिवाइडेड बाय 10, टू जीरो फाइव, टेन टू जो 20, 0, 5, सो 0, 0, 5, सो क्यू आया हमारे पास 20 एंड आर आया हमारे पास 5। ठीक है, इसका फोर्थ नंबर देखते हैं 615 डिवाइडेड बाय 10, टेन सिक्स जो 60, देन 1, 5, टेन वन जो 10, 15 माइनस 10, 5, सो क्यू आया हमारे पास 61 एंड आर आया हमारे पास 5। फिफ्थ पार्ट 68 डिवाइडेड बाय 10, 10, 10 सिक्स जो 60, देन 8, सो क्यू इज इक्वल टू 6 एंड आर इज इक्वल टू 8। इसके 5 पार्ट मैंने करा चुका हूँ, 4 पार्ट बच रहे हैं। ठीक है, 6, 7, 8, 9 आप एक बार को ट्राई करें, सेम तरीके से होंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 5 पे हमारी कंप्लीट।